कार्यक्रम समाप्ति पर है। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हिज एक्सीलेंसी श्री ओपी कोहली, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात गांधीनगर से हम सबके मध्य हैं। आप अपने अनमोल वचन हम सबके सामने रखेंगे। आज हम दो उद्देश्यों से यहां इकट्ठे हुए थे। एक उद्देश्य था पूज्य दादी जानकी जी को उनके 100 वर्ष पूरे करने पर बधाई देना, शुभकामनाएं देना। यह काम हमने पूरा किया है। यहां इकट्ठे होने का दूसरा उद्देश्य था दादी जानकी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना। उनका आशीर्वाद भी हमको प्राप्त हुआ है और उनके साथ दादी हृदया मोहिनी जी का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए यह कार्यक्रम तो अब यहां पूरा हो जाना चाहिए। इसको बहुत आगे बढ़ाना बहुत उचित नहीं होगा। दादी जानकी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा है कि कलियुग जा रहा है, सत्ययुग आ रहा है। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसकी परिस्थितियां हमारे मन में निराशा का भाव पैदा करती हैं। चारों ओर मूल्यों का संकट है, इंसानियत गायब हो रही है, हिंसा और आतंक का फैलाव है और मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है। ऐसे वायुमंडल में आशा का संदेश मिलना यह बहुत बड़ी बात है और पूज्य दादी जानकी जी ने यह कहकर कि कलियुग जा रहा है, सत्ययुग आ रहा है, हमको निराशा के वातावरण से निकालकर एक आशा का संदेश दिया है। यहां हम सब लोग दादी जानकी जी को 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई दे रहे हैं, उसमें हमको आनंद और सुख की अनुभूति हो रही है। दादी जी को बधाई देने के लिए देश के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी हस्तियां यहां मौजूद हैं। यहां केंद्रीय मंत्री उपस्थित हैं, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। यहां पड़ोसी राज्य नेपाल के राष्ट्र प्रमुख उपस्थित हैं। यहां भारत सरकार के एक अन्य मंत्री श्री हरिभाई चौधरी जी उपस्थित हैं। यहां गोवा की सम्माननीय राज्यपाल बहन मृदुला सिन्हा उपस्थित हैं। पंजाब से आए हुए हमारे कई प्रमुख नेतागण मौजूद हैं और इनके अतिरिक्त मंच पर और मंच के सामने अनेक हस्तियां बैठी हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। और ऐसे सभी बड़े व्यक्तित्व वाले लोग एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को बधाई देने के लिए यहां आए हैं और वह बहुत बड़ा व्यक्तित्व है दादी जानकी जी। छोटे लोग बड़ों को बधाई दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं और उन्हें उसके प्रतिदान में, बदले में, रिटर्न में बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमने पूज्य दादी जानकी जी को उनके इस पवित्र जन्म दिवस पर बधाई दी, उन्होंने हमको बदले में आशीर्वाद दिया। हमारा
मौजूदा दौर एक संकट में से गुजर रहा है, उस संकट को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य के संकट के रूप में मौजूदा संकट को परिभाषित कर रहे थे। इसमें संदेह नहीं कि यह स्वास्थ्य का संकट हमारा स्वयं का पैदा किया हुआ है और इससे अगर कोई निजात दिला सकता है तो वह स्वयं हम ही दिला सकते हैं, बशर्ते कि हम जिस गलत रास्ते पर चल पड़े हैं उस गलत रास्ते को छोड़ें और सही रास्ते पर आएं। एक दूसरे तरीके से भी मौजूदा संकट को परिभाषित किया जाता है और इसे मूल्यों का संकट कहा जाता है, इसे वैल्यूज का संकट कहा जाता है, इसे दिशाहीनता का संकट कहा जाता है। मूल्य विघटित हो रहे हैं और जब मूल्य विघटित होते हैं तो समाज पर संकट आता है। सबसे बड़ा मूल्य है धर्म, कोई उसे अध्यात्म कहकर पुकारता है, कोई उसे किसी अन्य नाम से पुकारता है, उसे नीति कहता है, नैतिकता कहता है, मानवता कहता है, कर्तव्य कहता है, फर्ज कहता है। अलग अलग तरीके से हम इस मूल्य को पुकारते हैं। मूल्यों का यह संकट क्या है? मूल्यों का यह संकट है कि हमने बाहर की चिंता में अपने को डुबो दिया है और अपने अंतर मन को हम साफ नहीं कर रहे। अंतर मन में गंदगी भरी हुई है और हम बाहर की दुनिया पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान जैसी स्पिरिचुअल संस्थाएं हमको ये बताती हैं कि उचित रास्ता इस बाहरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने का नहीं, अपने मन पर विजय प्राप्त करने का है। और अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है तो हमको अपने अंतर्मन को साफ करना होगा। हमारे अंतर्मन में स्वार्थ है, हमारे अंतर्मन में घृणा है, हमारे अंतर्मन में क्रोध है, हमारे अंतर्मन में द्वेष है, हमारे अंतर्मन के ये विकार जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में आसुरी तत्व कहा है, ये आसुरी तत्व हमसे आसुरी आचरण करवाते हैं। मन में आसुरी तत्व हैं तो आचरण भी आसुरी होता है और फिर उस आसुरी आचरण के क्या परिणाम होते हैं, उन परिणामों को हम भुगत रहे हैं। चाहे उसको विश्वव्यापी आतंक और हिंसा का संकट कहें या उसको जैसे हमारे श्री जगत का डड्ढा जी ने कहा व्यक्ति का स्वयं क्रिएट किया हुआ स्वास्थ्य का संकट हो। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने अंतर्मन को स्वच्छ करें, अंतर्मन को पवित्र करें और यह संस्थान इसी प्रयत्न में लगा हुआ है, इसी साधना में लगा हुआ है और इसमें उसे जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है ऐसे बड़े व्यक्तित्व यहाँ मौजूद हैं जिनको हमने बधाई दी है, जिनके लिए हमने और दीर्घायु होने की कामना की है। धर्म खाली चर्चा का विषय नहीं है, धर्म केवल तात्विक बहस का विषय नहीं है। बहुत तात्विक बहस हो ली, बहुत चर्चा हो ली, धर्म आचरण में उतरने का विषय है। अगर धर्म आचरण में नहीं उतरता तो धर्म का कोई अर्थ नहीं। और धर्म आचरण में कैसे उतर सकता है? सेवा के द्वारा, मानव सेवा, प्राणी सेवा, दूसरों से जुड़ना, दूसरे के लिए अपने जीवन का बलिदान देना।
यह जो सेवा है यह धर्म का सबसे ऊंचा रूप है, इसलिए सेवा को परम धर्म कहा गया है। ब्रह्म कुमारी संस्थान धर्म के तात्विक रूप की बजाय धर्म का जो अप्लाइड रूप है, स्पिरिचुअलिटी का तात्विक रूप जो है उसकी बजाय स्पिरिचुअलिटी का जो अप्लाइड रूप है, व्यावहारिक रूप है, उस पर बल देता है। और इसलिए ब्रह्म कुमारी संस्थान ने अनेक प्रकार के सेवा प्रकल्प अपने हाथ में लिए हैं, जो समाज को शुद्ध करने के, समाज को स्वच्छ करने के और समाज का जीवन बदलने के काम में लगे हुए हैं। ऐसा महान काम जिनके नेतृत्व में हो रहा है, ऐसी दादी जानकी जी को हमने आज बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। सेवा के अनेक प्रकल्पों के द्वारा हम अध्यात्म को, धर्म को आम जनता तक लेकर जा रहे हैं। चाहे इस संस्थान के द्वारा चलाए जाने वाले गांवों के पुनरुत्थान के संकल्प हों, चाहे व्यसन मुक्ति से जुड़े हुए प्रकल्प हों, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे शिक्षा में नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर जोर देने का अभियान हो, ऐसे अपने अनेक प्रकार के प्रकल्पों के द्वारा समाज को बदलने के, समाज का रूपांतर करने के, समाज को ट्रांसफॉर्म करने के इस बड़े आंदोलन के रूप में मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान को देखता हूँ। ब्रह्म कुमारी संस्थान केवल एक इंस्टीट्यूशन या संस्था नहीं है, इट इज ए मूवमेंट, इट इज ए मिशन। ये एक आंदोलन है यह समाज को रूपांतरित करने का, समाज को ट्रांसफॉर्म करने का, समाज को बदलने का एक आंदोलन है। और यह समाज को केवल बाहर से नहीं बदलना चाहता, ये भीतर से बदलना चाहता है। इसलिए हम ब्रह्म कुमारी संस्थान को एक संस्थान के रूप में न देखकर अंतर्मन और बाहरी दुनिया, इन दोनों को बदलने वाले एक सशक्त मूवमेंट के रूप में आज देखते हैं, जिसका प्रसार दुनिया के 140 देशों में हुआ है और जिसको यूएनओ ने भी मान्यता दी है। हमारी केंद्र सरकार ने अनेक प्रकार के आह्वान किए हैं, स्वच्छता अभियान उनमें से एक है, स्किल इंडिया अभियान उनमें से एक है, डिजिटल इंडिया अभियान उनमें से एक है, स्टार्टअप इंडिया अभियान उनमें से एक है। ये सब अभियान अपने देश को सशक्त बनाने, देश को ताकतवर बनाने, देश को विकसित देश बनाने के अभियान हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले इन अच्छे अभियानों में पहल करके आगे बढ़कर ब्रह्म कुमारी संस्थान अपना सहयोग कर रहा है। इसलिए सारे राष्ट्र को, समाज को इस संस्थान के प्रति ऋणी होना चाहिए। ये सब कार्यक्रम जिनके नेतृत्व में अब चल रहे हैं, वह पूज्य जानकी माँ है, उनके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। हमारे यहाँ किसी को जन्मदिन पर बधाई देनी होती है तो हम कहते हैं जीवेम शरतः शतम, 100 वर्ष तक जियो। दादी माँ ने 100 वर्ष पूरे किए हैं, हम कामना करते हैं कि वे अनंत वर्ष तक जिए और स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, अनंत वर्ष तक जिए। मैं अपनी ओर से, गुजरात की जनता की ओर से, गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल की ओर से पूज्य जानकी माँ को उनके 100 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वे हमारा मार्गदर्शन करती रहें, समाज का मार्गदर्शन करती रहें। मुझे यहाँ आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय गवर्नर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समस्त गुजरात की ओर से दादी जी को शुभकामनाएं दी और अब धन्यवाद की विधिवत प्रक्रिया पूरी करेंगे राजयोगी बीके आत्म प्रकाश भाई,
नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आप मीडिया विंग के, आप पधारें और विधि पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करें। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की प्रिय संतान, मंचासीन परम आदरणीय दादियां, वरिष्ठ भ्रातागण, ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल मिनिस्टर्स तथा अन्य महानुभाव, आप सभी यहां पधारे और आप सभी ने दादियों से आशीर्वाद लिया तथा उनसे उनको शुभकामनाएं दी, उस लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो बहुत गर्व से कह सकता हूं कि सबसे पहले जब मैं ज्ञान में आया 1957 में पटियाला में, सबसे पहले जो दादी मिली वो दादी जानकी जी ही मिली, और उनसे उन्होंने हमें ज्ञान दे करके गुणों की धारणा करा करके आगे बढ़ाया, और साथ ही आते ही अपने हाथों पवित्र हाथों से ब्रह्मा भोजन बना करके हमको खिलाया, बड़ी पालना की। तो ये बहुत बड़ा फख्र की बात है और बड़े गर्व की बात है कि दादी जी से हमने बहुत पालना दी और इन्होंने हमें गुणों की धारणा कराई कि सबके गुण देखो, अवगुण किसी का नहीं देखो। तो आप भी, आप सभी यहाँ आए और पधारे और इतनी देर से सुन रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद देने के लिए आत्म प्रकाश भाई का धन्यवाद। धन्यवाद। वाह 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 बच्ची, वाह बच्ची वाह।